गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस मोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। ओके, आज हम लोग फिर से अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंड द टॉपिक इज What now? है ना? तो we had discussed about nouns in the previous class. हम लोगों ने पिछले क्लास में nouns के विषय में हमने डिस्कस किया था and in that class I had taught you the kinds of nouns. Okay? According to old English grammar. Okay? In the previous class I discussed the kinds of nouns according to old English grammar. Okay? तो हमने क्या बताया था? According to old English grammar, there are five kinds of nouns. है ना? ये हमने discuss किया था उसमें. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Okay? Now, today in this class, we are going to discuss the kinds of nouns according to modern English grammar. है ना? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार विल डिस्कस हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउंस, है ना? तो दोनों आपको जानना जरूरी है. ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउंस. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ नाउंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउंस. कितने काइंड्स है? थ्री, है ना? याद रखोगे इसको. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउंस, राइट? कौन कौन सा है? प्रॉपर नाउन, है ना? क्या है? प्रॉपर नाउन. उसके बाद है काउंटेबल नाउन. उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन, है ना? ये तीन काइंड है. प्रॉपर नाउन तो वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा. काउंटेबल नाउन इसको कहा जाता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, है ना? और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा. ओके, तो प्रॉपर नाउन का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था. अ नाउन विच टेल्स अबाउट द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पर्टिकुलर नेम, वो पर्टिकुलर नेम को, द नेम जो बताता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल इत्यादि को बताता है. अ नाउन विच टेल्स द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध होता है, है ना? जैसे हमने बताया था मुकेश, तो ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, दैट इज प्रॉपर नेम है. हिमालय, ये किसी प्रॉपर पहाड़ का नाम है. गंगा, ये किसी प्रॉपर नदी की नदी का नाम है. मुंबई, ये किसी प्रॉपर शहर का नाम है, है ना? तो वो क्या करता है? प्रॉपर नाउन ये पर्टिकुलर नेम्स को दर्शाता है, याद रखोगे, है ना? और इसमें क्या है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो जहां भी रहेगा, राइट? नाउ We will discuss about countable noun. है ना? What is the next? Next noun, that is countable noun. Countable noun. Countable noun का मतलब क्या होता है? गणनीय संज्ञा. गणनीय. इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होने वाला है. तो countable noun, noun means होता है गणनीय संज्ञा. तो a noun which can be counted. वह noun जिसको गिना जा सकता है. A noun which can be counted is called countable noun, है ना? क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं, जो nouns को हम गिन सकते हैं. और इसमें क्या है, बस थोड़ा सा आपको समझना है. इसमें क्या है कि जो हमारा common noun था और ये collective noun था. क्या था? Common noun और collective noun जिसको हमने old English grammar में पढ़ा था, तो common noun और collective noun मिल करके क्या बना है? Countable noun. Okay? In this group, we put that means in this group common noun plus countable noun
वी टेक इन दिस ग्रुप कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, है ना। इस ग्रुप में हम क्या लेते हैं, कौन कौन से नाउन को लेते हैं, कॉमन नाउन को लेते हैं और कलेक्टिव नाउन्स को लेते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ये सॉरी काउंटेबल नाउन हो गया। समझो, समझ जाओ, काउंटेबल नाउन, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसको गिना जा सकता है, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन, एंड इट कंटेन्स कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन। इन दिस ग्रुप हम क्या रखते हैं, इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना। तो जैसे आपका हो गया बॉय, गर्ल, टाउन, माउंटेन, रिवर, पेन, पेंसिल, ये सब सब गिना जा सकता है, है ना। इट कैन बी काउंटेड, हम इसको आसानी से गिन सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कलेक्टिव नाउन का, सॉरी इसको कहा गया काउंटेबल नाउन। क्या कहा गया, काउंटेबल नाउन। तो ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर के क्या बन गया बच्चा, काउंटेबल नाउन। ओके, अब हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, अगणनीय नाउन संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, है ना, वह नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता। एंड इन दिस ग्रुप कौन कौन से नाउन आते हैं, तो हमने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, हमने क्या पढ़ा था, मेटेरियल नाउन पढ़ा था एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस ग्रुप में हम किसको किसको रखते हैं, मेटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ये दोनों ग्रुप मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब मेटेरियल नाउन में क्या क्या था, वाटर कैसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ऑयल गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, मिल्क इसको भी नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड ये सब मेटल्स में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये जो है ये भी हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। सिल्वर, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को आप गिन सकते हो, नहीं गिना जा सकता, एयर को गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। गॉट इट। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउन्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज हमारे ग्रामर के हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा, है ना। तो इसको आपको, ये बेसिक चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरह से याद करोगे, अच्छे तरह से समझोगे, है ना। हमने दोनों बता दिया आपको, हमने आपको ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने नाउन्स हैं, फिर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने नाउन्स हैं, ये हमने बता दिए। दोनों को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। तो इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया, काउंटेबल नाउन इसमें भी हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, अनकाउंटेबल नाउन इसमें हमने हमने एग्जाम्पल को दे दिया। मेरे ख्याल से आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों नाउन्स को, दोनों तरह के जो ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों में जो हमारे नाउन्स काइंड्स हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम लोग इसमें अगले क्लास में और भी अच्छे तरह से डिस्कस करते हैं। ओके, मुझे मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे। ओके, तो आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।